पुप्पो, मिल गया प्रसाद, हो गई तसल्ली। बाजी मैंने तो पहले ही मना करी, तुमने गलती करी। मगर मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे भाई ने भी मुझे नहीं पहचाना। ये बिल्कुल शेख चिल्ली जैसी लग रही थी मैं तो। अब पुप्पो बहुत हो गया, चलो ये कपड़े उतार दो चल के। अभी तो मैं एक चक्कर गांव का जरूर लगाऊंगी, देखती हूँ कि मेरे को गांव में भी कोई पहचानता है कि नहीं पहचानता। चलो खड़ी हो। चलो मेरे लौंडे पहनाने चाहिए, बात समझ गई। अबे क्या बात है, चोरी कर रहा, दुकान में चोरी कर रहा है। भैंस चुराएगा, दुकान में चोरी करेगा, साले दुकान वाला आकर जान संभाल देगा। निकल दे जा, निकल दे जा, साले चोर, सारा बच्चों को चोरी सिखाते हैं। अबे अगर इन्हें मैं पैसे वापसी दूं और अंदर जाके दूं, साले ऐसे ना हो मुझे चोर समझ के पीट दे। बाहर से देता हूँ, बाहर से बाहर रख देता हूँ इनके गले में। बच्चे क्या कर रहा है? अबे मैं तो पैसे रख लिया था। भाभी भाभी, अरे क्या हो गया? भाभी वो चेक चिल्ली का बच्चा पैसे चुरा के भाग गया। अच्छा, इस हरामजादे के घर ही चल रही हूँ, चल। अरे क्या बात होगी? हाँ बात होगी, आ गए यहाँ पे देसी पी के। आज तू किसी काम का होता तो ये दिन ही ना देखने पड़ते, मूत पिए पड़ा रहे, यहाँ दुकान में कौन बैठेगा? बात बता के हुई? वो हरामजादा शेख चिल्ली का बच्चा दुकान में से पैसे चुरा के ले गया। सलीम की दुकान में से पैसे? चल मेरी गैल। हाँ चल, तू किसी काम का हो जा जो ये दिन ना देखने पड़े। मेरी गैल चल। अरे पता नहीं आज कौन चरी काट के ले गया मेरी, रात तो मैं बिल्कुल सही छोड़ के गया। यार पता नहीं, आज मैं देखता हूँ। भाईजान कैसे खड़े हो यहाँ? अरे खड़ा क्या हूँ, रात 11 बजे गया हूँ मैं। अच्छा, सुबह आके देख रहा हूँ तो दो गड्डी चरी काट दी मेरी, दो तीन गड्डी काट रखी है। हमारे यहाँ तो बकरी भैंस है नहीं, ढूंढो भाई, देखो अपने, देखो चोर को ढूंढो। देखूंगा मैं, आज देखूंगा साल को, मैं भी इस इंतजार में खड़ा हूँ। पता नहीं कहाँ चला गया, परेशान कर दिया ये लौंडे, अभी दिमाग खराब है। अबे सामने रतन खड़ा, चल रतन से पूछता हूँ। अरे रतन, अरे भैया शेख चिल्ली आया यहाँ पे। अरे तुम्हें दोनों को कोई काम है ना है? अरे भैया आया तो बता दे यार। हाँ गया इधर को। अच्छा तो ठीक है, कैसे खड़ा यहाँ पे? अरे तुम जाओ अपने घर, मेरा तो वैसे दिमाग खराब है। अबे कोई बात भी हुई है? अरे चरी काट ली मेरी दो गड्डी। अच्छा चरी काट ली है, अबे तो यहाँ बैठना लठ ले के। जाओ पता ना कहाँ है यार, बाप बेटा उस लौंडे का पता ठिकाना नहीं रहता। भाई जी सलाम। सलाम भाई जी, शेख चिल्ली देखा के जाता हुआ। मैं शेख चिल्ली की ठेकेदारी ले रखी है मैंने, जो भी आ रहा शेख चिल्ली आया, शेख चिल्ली आया। भाईजान आप तो नाराज हो रहे हो, हमारे तो वैसी चोरी हो गई। तेरी चोरी देखूं है, मैं अपनी चोरी देखूं? भाई साहब अगर आए हो तो बता दो, हम तो वैसे ही परेशान है। हाँ आया इधर को गया, चली जाता तू भी चली जा। ठीक है भाई जी, हाँ चला जा, चलो जा, चले जा। बदतमीज हमारे गांव में सारे के सारे। ओ भाई इन भैंसों को बाहर को निकाल ले। ओ ये कहाँ खेत में बांट दी तूने? मुझे तो कोई सच में ही ना पहचान रहा, सारे शेख चिल्ली समझ रहे, मजा आ गया। उस दिन तो उसकी बीवी मरने कटने को तैयार हो गई, मैंने छोड़ दिया। अब की बार मुझे कहीं मिल गया ना हराम ज्यादा, सबसे पहले उसके मुंह को कूटूंगी, धर के नाश पीटे के। हाँ भाभी वो कुट नहीं लायक है। कर लिए कर लिए, अपने दिल की भी पूरी कर लिए। कहाँ है? इधर को जाओ, इधर को। एक काम करो, यहाँ को लुक लो सारे। हाँ। और इसे तू ही पीछे दे। आते ही ना ये कपड़ा उसके मुंह पे डाल दूंगी, खूब जी भर के कूटेंगे हराम जा। देखो आ गया, आ गया, आ गया।
पकड़ लो इसे, ये ले 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 हराम जादे, ले तूने हमारी नाक में दम कर रखा है, ये ले और ले ले मारो मारो इसे, छोड़ ना मत आज इसे, आज इसकी जान निकाल दो, ये ले ले चप्पल ले चप्पल ले हराम जादे, ले और ले ले। अरे अरे भाई क्या हुआ क्या हुआ? देख लो तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा लौंडा चोर है, अपनी आंखों से देख लो। ये यकीन नहीं मानने वाले, हम तो पुलिस में जाएंगे। हराम का माल है हमारा। चुप, पुलिस में जाने की जरूरत नहीं है, है। मैं समेटता हूँ इसे अभी। ठीक है। हराम खोर, तेरा मुंह फोड़ दूंगा। हराम दादा तेरा मुंह फोड़, जान से मार दो, जान से मार दो, मेरी बेइज्जती करवा दे। अरे इन दो सब क्यों पिटवा रहे उसे ज्यादा? देख लो पूरा ड्रामेबाज है, आवाज भी औरतों की तरह निकाल लिया कमबख्त। वैसे तो पूरा ढोंगी बाज है। मैं तेरा मुंह को जलवा, मुंह को जलवा, साला मुंह को जलवा तेरा, बिल्कुल फोड़ दो रख के। मैं जान से मार दूँगा। उठा सुनिया, उठा सुनिया। आसान मेरी फुफाओं की मार रहा। शेख चिल्ली, शेखू, शेखू बचा ले, बचा ले शेखू, शेखू बचा ले मुझे। अबू, अबू, शर्म नहीं आई तुम्हें? शर्म नहीं आई मेरे फूफा को मारते हुए? तेरी बहन लगे, शर्मा जा कुछ, शर्मा जा, क्या कहेगी जाके फूफा से, क्या कहेगी जाके? शेखू इस सब ने मिल के मुझे बहुत और भाई जान ले तो मेरी दूधड़ी तोड़ दी। देख ले मेरी भाई जान ने मारा कहीं इसके। इतिहास तो बिल्कुल भी ना आई होगी बाजी को मारते हुए। और तुम पे अपनी दुकान तो संभलती है ना, सारे दिन बैठी बैठी सोए जाओ दुकान में ही। बैठी सोती रहे, कोई भी चोरी करके ले जाओ। मैंने अच्छा किया साला, तुम्हें बुरा लगता है? क्या अच्छा किया? अबे बदतमीज, मैं तुम्हारे पैसे चुराए हारून के लौंडे ने, मैं उधर चोरी करके चल दिया था, मैंने वो वापस रखने के चक्कर में तुमने मुझे चोर बना दिया बदतमीजों ने। ये तो तुमने वो काम कर दिया कि नेकी का और जूते खा। अबे मेरे लौंडे तुम्हारे पैसे बचाए तो हैं। और अब्बू उस दिन नजीर के लौंडे ने सर फोड़ा और नाम मेरे लगा दिया सालों ने। खाला अगर ऐसी बात है तो फूफो हमें माफ कर दो। गलती तो तुम्हारी माफ की, तुमने मेरी फुप्पो का मार मार के भरता बना दिया, अब क्या मैं जाऊँ थाने? फुप्पो तो हमारी भी है बाजी, माफ कर दो, हम तो इन्हें अपना ही माने। शेख चिल्ली मारना गलती होगी। बोलो बोलो अब्बू, अम्मी बोलो ना, बोलो फुप्पो, बोलो शेख जी। अब मैं रोजाना एक बात सुन ले, फुप्पो से पूछ ले, वरना हमें तो कोई परहेज नहीं है। अरे जब तेरी कोई गलती नहीं है तो माफ कर दे इन्हें। यार मेरी बहन ही नहीं मानी, शेख चिल्ली बन के मानी। अब्बू हाँ, अगर मेरे दो शेखू होते हाँ, तो क्या वो ऐसे ही होते हैं? क्यों हम कौन से बुरे, हम कौन से बुरे, सारी की शिकल बिगाड़ दूंगा, हम बुरे हैं? तो दुनिया ये कहती कि जमीला के दो दो शेखू, तो अब शेख हम चिल्ली फिर मिलेंगे। बुलावा।